फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई, जिसके लिए हमने यहाँ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। यहाँ हमने ले लिए है 11 से 12 पीस मछली के। यहाँ हम रावस यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के फ़िश यूज़ कर सकते हैं, सुरमा या जो भी आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नस्टार्च ले लिया या फिर कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, आधा नींबू और ऑरेंज फूड कलर लिया है 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बोल में एक तरफ हम ले लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देंगे जो भी हमने लिए थे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर, कम स्पाइसी खाते हैं तो कम ऐड कर लें। हल्दी, काली मिरी पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। थोड़ी सी मसाले को क्रिस्पी बनाने के लिए, फिश को क्रिस्पी बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और इसमें ऐड कर देंगे हम ऑरेंज फूड कलर, जो ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था। नहीं ऐड करना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू डालने से जो हमारी फ़िश है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनती है और अंदर से जूसी भी बनती है। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अराउंड 1 टेबलस्पून भर के, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को ऑयल में। और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक मसाले की कंसिस्टेंसी बन सके। हम जो फ़िश पे कोटिंग करेंगे तो अच्छे से हमारे मछली जो है मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून, जो मसाला है उसकी अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए हमने ऐड कर दिया था इसमें। हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे और उस पर मसाला लगाएंगे मछली पे। तो एक एक करके मछली लेंगे आप और इसे अच्छे से मसाले से कोट करेंगे। इस तरीके से रब करना है आपको मसाले को दोनों तरफ, और अंदर की तरफ भी जहाँ कर्च लगे हों उसके अंदर भी आप मसाले को अच्छे से रब करेंगे ताकि मसाला जो है अंदर तक अच्छे से जाए। आप चाहे तो फ़िश पे कट्स भी लगा सकते हैं ऊपर से और फिर उसके अंदर मसाला भरें, या फिर इस तरीके से फ्राई कर लें जिससे हम मसाला लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ अच्छे से रब कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे फिश को भी ऐसी कर लेंगे, अच्छी तरीके से अंदर बाहर दोनों तरफ अच्छे से मसाला रब करेंगे। इसे हमें मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे मसाला लगा के उसी टाइम फ्राई कर सकते हैं। यहाँ हमने सारी मछलियों पे मसाला लगा लिया है अच्छे से। देखिए बिल्कुल अच्छे से लग चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक तरफ पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और उसके बाद आप फ़िश फ्राई करेंगे ताकि ऑयल ज़्यादा स्प्लटर ना हो। तो एक एक करके फ़िश के पीसेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। जितनी आपके पैन में जगह हो उतने आप पीसेस ऐड करें, क्योंकि आपको इसे टर्न करके भी फ्राई करना होगा, तो ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें। जितने पीसेस आ सके उतने फ्राई करें और 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसे टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा मसालों का जो कलर आया है, फ़िश फ्राई हुई है अच्छे से। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन इस तरीके से होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है। इसे ऑयल एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। सारी फ़िश हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। दोनों तरफ से हमने इसे फ्राई करना है टर्न करके। 2 से 3 मिनट हमने दोनों तरफ फ्राई करा है। इसे हम एक प्लेट में प्लेट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हुई है।
बहुत ही क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी बनी है। इसे आप लेमन और अनियंस के साथ सर्व करें। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये फ़िश फ्राई। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट बिलो।